चैनल पर आप सभी को स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ये तिल का अचार। देखिए, इसको हमने भूंज लिया है, भूंज के इसे रगड़ के ये सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे तरह से साफ करेंगे। तो ऐसे इसको ऐसे देखो निकल गया, यहाँ पे हमारा साफ हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने चावल साफ किया था, तो यहाँ पे एक एक चावल है, इसको हम निकाल देंगे इससे तरह से। एक दो रहने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम इसको निकाल देते हैं। तो इसको रेडी हो चुका है। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये होना चाहिए, और इसके बाद ये और साथ ही में मिर्ची आएगा इसके पास। सूखना मिर्ची होने से तो और अच्छा, ड्राई चिल्ली। तो हम यहाँ पे कच्चा जो है मिर्ची, वो ये हम ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो इसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इतना मिर्ची से हो जाएगा। तो गाइस, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको पीसेंगे सिलपटा में। हम इसको ऐसे करके साफ करेंगे एक चम्मच की मदद से। तो आपके घर में छुरी हो तो छुरी से भी कर लीजिए। ऐसे कर करके अच्छे से साफ कीजिए, इतने से हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डालना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डालने से भी अच्छा नहीं होगा। तो ये मिर्ची का हम इसे साफ करेंगे। तो हम आज इसका तिल का जो अचार है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है। और साथ में ये मूली जो हम धो के साफ करने वाले हैं। तो गाइस, मूला को भी इससे करके अच्छी तरह से साफ करना होगा, क्योंकि साफ नहीं करने से भी होगा, क्योंकि जिसको अच्छा लगे। मैंने साफ कर लिया है, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है ये इसका अचार जो। ये देखिए, हम इसको इसके साइड में रख देते हैं, इसको जो हम बारीक बारीक से काटेंगे। नहीं तो खाने से स्वादिष्ट। यहाँ पर नींबू होना चाहिए, और हमारा ये है पुश्तैनी, जो है ये पुश्तैनी जो हम लोग के घर में। तो इसका हम राउंड राउंड शेप में काटेंगे, जैसे पीसे की तरह। इसको और ऐसे, हाँ ऐसे, कोई हम ऐसे करके काटेंगे बीच में, और किसी का हम राउंड शेप में ही रखेंगे, क्योंकि इसको खाने में अच्छा होगा जब खाएंगे। तो थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम फिर ऐसे काटेंगे। काटने के लिए तो इतना अच्छा जो इसका है, इतना ज़्यादा बना रहे, क्योंकि हम लोग जो है अच्छा ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि किसी के घर में कम खाते हैं तो एक और दो काटने से भी हो जाएगा। ये देखिए, इतना सा धनिया लेंगे, इसको भी धोएंगे, धो के इसको भी हम निकल के साइड में रख देंगे। इस धनिया को इतना सा देने से हो जाएगा, क्योंकि अदरक दिया हुआ है। तो गाइस, यहाँ से थोड़ा सा नमक लगाएंगे और मिर्ची। धनिया लगाएंगे, अदरक धनिया हम पीस लेंगे, क्योंकि इसको भी नहीं अच्छा तरह से पीस लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इसको थोड़ा ज़्यादा थोड़ा छोटा छोटा रहने से भी अच्छा नहीं लगता।
इसको हम यही बारीक बारीक से पीस लेंगे। तो इसकी पिसाई हो चुकी है, तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि तिल को जो मिही से ही पीसना होगा बारीक बारीक से। तो आप लोग बने रहिए, यहाँ पे हम डाल चुके हैं सिलपट्टी पे तिल, हम इसको इस तरह से पीस लेंगे, क्योंकि आप लोगों के घर में मिसी है तो वहाँ से तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का मर्जी कितना जितना बारीक से पीसेंगे उतना ही अच्छा। तो हम इसका साउंड इतना अच्छा लग रहा है पीसने में, देखिए हम इसको मिही करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये जो हमने अच्छा पानी ले रखा है इसके से, देखिए पानी थोड़ा दिन अच्छे तरह से जो इसका अच्छे तरह से पीस जाएगा। तो हम पहली बार ऐसा बना रहे थे, गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। ये पानी जो मैंने इस तरह से जो मैंने पहले धो के इस बाल्टी को साफ सफा करके पानी फिर से लाए हैं, तो आप लोग गलत मत सोचिए कि मैंने उसी पानी में धो दिया। इसको बारीक होने में समय लगेगा क्योंकि इतना सारा जो है हमारा ये जो पेस्ट रेडी हो चुका है तिल का, तो थोड़ा और पीस लेंगे, इतना ज़्यादा भी पानी मत डालिए, इसको ऐसे ही होने देंगे तो अच्छा होगा। ये जो है पैर हो चुका है, तो हम ये जो है इसको यहाँ पे डाल देंगे, मिक्स। तो आप लोग एक बार जरूर खाइए और टेस्ट करके कैसा लगा बोलिएगा। हम लोग तो पहले भी खाए हैं, हम तो खा सकते हैं। इसका तो बहुत प्रकार का होता है, जो ये तिल का अचार होता है, लड्डू होता है और पीठा होता है। तो हम इतना सारा हो गया है, तो हम इसको आधा से आधा ऐसे करके ये रख सकते हैं कल के लिए। ये खराब नहीं होता है, दो तीन दिन रखने से भी। और ये यहाँ पे डाल देते हैं। तो जो बन के तैयार हो चुका है, ये है सरसों का तेल, इसके ऊपर डाल देंगे हम। डालने से भी होगा, नहीं डालने से भी, क्योंकि मैं डालूँगी। हाँ, देखिए कैमरा थोड़ा हिल रहा है एक हाथ से करने से, और एक हाथ से ज़्यादा कष्ट होता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो ये देखिए बन के रेडी हो चुका है, देखिए ये यहाँ पे। और नींबू चाहिए जो हमारे पास अभी है नहीं, तो ये देखिए भैया कैसा लगा तो बोलिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग एक बार घर पे ट्राई कीजिए। और मेरा मोबाइल भी इतना अच्छा नहीं कि आप लोगों को रात में बनाया हुआ है, तो ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो हम अपने डिप्रेशन में रख लेंगे, डिप्रेशन में क्या बोलता है वहाँ पे रख देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।